सर दर्द, बदन का दर्द, शरीर में कोई भी ग्रोथ हो, गांठ हो, पेट खराब हो, खांसी हो, दुनिया की कोई भी तकलीफ हो, उसे आप गूगल कर लीजिए। 5 मिनट के अंदर आप छाट रहे होंगे कि आपका वाला कैंसर कौन सा है। फिर आप डर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कोई मामूली सा इन्फेक्शन था या आम सी कोई गांठ थी, 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सोचिए कि एक दिन आपकी तबीयत बिगड़े और डॉक्टर कह दे कि यह सचमुच कैंसर हो सकता है, इसके लिए आगे के टेस्ट करने होंगे, तो आप क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? हमारे देश में, इस दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस तरह की खबरों का रोज सामना करते हैं। इनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। किसी दिन उन्हें ये बताया जाता है कि अब आपके बाल जाने वाले हैं, किसी को बताया जाता है कि अब आपका स्तन काटा जाएगा, और किसी से कहा जाता है कि उनके पास कुछ ही रोज बचे हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। कल रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए छवि मित्तल की पोस्ट दिखी। वो देखकर मैं उनके अकाउंट पर पहुंची और मुझे ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी उनकी 4-5 पोस्ट और दिखी। छवि ने अलग अलग तस्वीरों और वीडियोस के जरिए ब्रेस्ट कैंसर और उसकी सर्जरी के बारे में बताया है। 16 अप्रैल को छवि ने बताया था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 25 अप्रैल को उनकी सर्जरी हुई और 26 को उन्होंने पोस्ट कर बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल रही, अब वो कैंसर फ्री हैं। छवि ने इस जर्नी के बारे में बताते हुए लिखा, जब डॉक्टर ने मुझसे आंखें बंद करके कुछ अच्छा सोचने के लिए कहा, तब मैंने अपने सुंदर और स्वस्थ स्तनों की कल्पना की। फिर मेरी सर्जरी हुई, वो 6 घंटे तक चली और अगले दिन मैं कैंसर फ्री थी। पर अब अच्छी बात यह है कि सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। अब मुझे आपकी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं बहुत दर्द में हूँ। ये दर्द मुझे बार बार उस जंग की याद दिलाता है जिसे मैंने हंसते हुए जीता है। आगे छवि ने इसी दर्द के बारे में बात करते हुए एक और पोस्ट में लिखा, हम कितनी जल्दी दर्द को भूल जाते हैं। सालों पहले सी सेक्शन ऑपरेशन और ओवेरियन सर्जरी के वक्त मुझे दर्द हुआ था। एक हादसे की वजह से पीठ का दर्द हुआ, जो अब सही हो चुका है। मैं दर्द को भुला देने वाली इस आदत को याद करती हूँ और उस समय के बारे में सोचती हूँ जो कुछ दिन बाद आएगा। अभी मैं बहुत दर्द में हूँ और दर्द कितनी ही पेन किलर खा लो फिर भी कम नहीं हो रहा है। लोगों के मैसेज से, उनकी दुआओं से और जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं उनकी मुस्कान से मुझे हिम्मत मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। भारत में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका मतलब हर 1 लाख महिलाओं में से 26 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। भारत में हर साल 70,000 से ज़्यादा महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो जाती है। ब्रेस्ट में होने वाली गांठ 2 तरह की होती है। एक होती है नॉन कैंसरस, उसको दूध की गांठ भी कहते हैं। दूसरी होती है कैंसरस गांठ। जब तक हम ब्रेस्ट कैंसर की जांच नहीं करवाते, तब तक बोल नहीं सकते कि यह कैंसरस गांठ है या सादी गांठ है, इसलिए इसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी सिर्फ औरतों को नहीं होती, पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा, इस पर हमने विस्तार से अपने हेल्थ शो सेहत में बात की है। उन एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कैंसर और इसके ट्रीटमेंट के दौरान एक महिला क्या महसूस करती है, उसके मन की हालत कैसी होती है, उसके इमोशंस कैसे होते हैं, इस पर आज के म्याऊं के एपिसोड में मैं बात करूँगी। बाल और स्तन समाज में एक महिला की आइडेंटिटी का ये ज़रूरी हिस्सा है। जब लड़की जवान हो रही होती है, तब रंग और बालों की तमाम चिंताओं के साथ साथ एक चिंता उसके ब्रेस्ट्स की भी होती है। माँ या घर की बाकी महिलाएं लड़की को झबला या समीज से ब्रा पर शिफ्ट होना सिखाती हैं। जब किसी महिला को इन्हीं स्तनों के कैंसर के बारे में पता चलता है या ये पता चलता है कि इस बीमारी के इलाज में उन्हें अपने स्तन शरीर से अलग करवाने होंगे, तब वो कैसा महसूस करती हैं, किस मेंटल फेस से गुजरती हैं, ये समझने के लिए मैंने बात की अरुणा मीणा से, जो जयपुर की रहने वाली हैं और ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित थी। मुझे फरवरी 2019 में मेरा डायग्नोज हुआ था। उस वक्त मैं एक्चुअली, मेरा बेबी फीड पे था, ही वाज ओनली 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स। सो आई गॉट अ डाउट कि हाँ, सम लंप इज देयर इन माय ब्रेस्ट व्हिच इज लिटिल अनयूजुअल। So I told this thing to my husband also. I told this thing to in my office colleagues also. But what they said ki no, you are on breastfeed. So normally ek believe hai ke until unless you are on feed, you won't get cancer, breast cancer at least. Then okay, I also ignore it for 1 month. But after 1 month, what I felt ki it has got little enlarged in size. Now that I got a doubt ki it's not a common thing. I should go and see a doctor. डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया। इवन माय डॉक्टर एट फर्स्ट अटेम्प्ट ही सेड इट्स नथिंग, डोंट वरी, इट्स जस्ट फैट टिश्यू, सो इट गेट मेल्ट एट इट्स ओन।
देन आई सेड नो नो मैम समथिंग इज देयर बिकॉज ये लास्ट वन मंथ में एक डॉट से थोड़ा सा एनलार्ज हुआ है यू प्लीज लेट मी गो थ्रू अ सम टेस्ट व्हाट एवर इज नेसेसरी टेस्ट यू प्लीज लेट मी गो थ्रू द टेस्ट देन उन्होंने ये मेमोग्राफी किया मेमोग्राफी में दे कॉट इट एंड फाइनली दैट निधि पाटनी मैडम शी सेड के हाँ अरुणा इट्स अ कार्सिनोम सो ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट वॉज द फर्स्ट थिंग व्हेन आई केम टू नो कि हाँ आई एम डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर I was totally clueless के what अब आगे क्या होने वाला है me and my husband we both मुझे बिल्कुल नहीं पता था अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ एंड ऑल देन ट्रीटमेंट हमने फॉलो किया कहाँ से which is the best hospital which is the best doctor then all everything उसके बाद में सबसे पहला था operation surgery सर्जरी के दौरान honestly telling you when I was going into operation theater मेरे को पता भी नहीं था कि मैं वापस भी मतलब जिंदा आऊंगी या नहीं आऊंगी लेकिन हाँ 6 to 7 hours का वो सर्जरी हुआ एंड मैं बाहर थी और एकदम अच्छी सी थी जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर्स मेरी मदर मेरे ब्रदर इन लॉ एंड रियली मैं बता रही हूँ कि हाँ ठीक है वो जो भी उसके साइड इफेक्ट्स थे वो ऑपरेशन के जो भी थे टोटली गॉन एवरीथिंग गॉन उन सबको देख के एंड वो मुझे इतना चेयर अप कर रहे थे कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल आप तो इतने अच्छे लग रहे हो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कोई ऐसा लगता है ऐसा लगता है एंड दे रियली चेयर्ड अप मी सो वेल कि मैं बिल्कुल भूल गई कि हाँ अभी मैं ऑपरेशन सर्जरी होकर के मेरा आया है देन नेक्स्ट था कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले एज यूजुअल जैसा सबको आता है कि मेरे हेयर्स चले जाएंगे एंड मुझे तो मैंने ज्यादा एक्सप्लोर किया क्योंकि अभी थोड़ा सा एडवांस है सोशल मीडिया एंड ऑल इट इज वेरी हेल्पफुल टू नो वट एवर यू वॉन्ट टू नो कि हाँ आईब्रोज भी चली जाएंगी और कुछ मिसगाइड भी होता है कि आपके नेल्स भी चले जाएंगे और शायद आपको हेयर्स वापस कभी भी नहीं आएंगे तो मैंने मेरे डॉक्टर को जाकर के पूछा कि ये सारा क्या सच है क्या क्या मेरे साथ ये सब होने वाला है डॉक्टर ने कहा गूगल आपकी सुविधा के लिए है आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है इट्स टोटली अप टू यू आप पढ़े लिखे हैं समझदार हैं गूगल को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए उसमें से जो आपके मतलब का ज्ञान है सिर्फ वही लीजिए देन आई थिंक हाँ ठीक है अगर हेयर्स जाएंगे तो मैं कितना भी गूगल करूं मैं कितना भी स्ट्रेस लूं मेरे हेयर्स जाएंगे जाने से नहीं रोक सकते वो जाएंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट एंड आई शुड एक्सेप्ट इट और जितना जल्दी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी ये मेरे लिए अच्छा होगा फर्स्ट कीमो के बाद में आई वॉज जस्ट काउंटिंग माई डेज कि हाँ कब स्टार्ट होता है कब स्टार्ट एंड फाइनली आफ्टर 22 डेज आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफ माई हेयर्स फ्रॉम माई हेड थोड़े थोड़े जाने लगे देन थर्ड कीमो तक आते आते मैंने मेरे सारे घर वालों को कहा मैं ऐसे नहीं देख सकती आई विल डू वन थिंग आई विल शेव ऑफ माई हेड टोटली कि वो रोज रोज जाने सच्चाई की ओके लेट देम गो एक ही बार में तो रियली मैंने मेरा खुद का मेरी सिस्टर और मेरी मदर ने रेजर लिया और उन्होंने पूरा मेरा ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी दिस थिंग मतलब कोई भी मदर ऐसा बहुत गट्स चाहिए ये सब करने के लिए लेकिन रियली दे डिड फॉर माय सेक और उसके बाद रियली आई वाज फीलिंग सो बेटर कि हाँ मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ देयर इज नो हेयर एट ऑल ऑन माय पिलोज दैट गेव मी लिटिल दिस थिंग देन हाँ ठीक है मेरे आईब्रोज गए ओके बट जो कुछ लोग उस दौरान आपको मिलने आते हैं ना उनसे आपको बड़ा बच के रहना होता है क्योंकि समटाइम्स दे लास्ट सच्चे सिली क्वेश्चन कि हाँ अब आप गंजे रहने वाले हो लाइफ टाइम ओके आप विदाउट आईब्रोज रहने वाले हो ऑल द टाइम आई सेड कि हाँ मुझे नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे बट दैट इज माई कंसर्न व्हाई यू आर ब्रेकिंग योर हेड फॉर दिस थिंग आएंगे तो ठीक है गंजी रहूंगी तो मैं रहूंगी इट्स नन ऑफ योर बिजनेस नो माई हस्बैंड माई फैमिली दे विल एक्सेप्ट मी लाइक वॉट आई एम दे विल एक्सेप्ट मी एज इट इज यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट सो बस एक चीज जो मैंने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान सोनल फेस की वो यही थी कि मेरे अंदर जो भी चीजें हो रही है उससे मुझे अपने ब्रेन पे हावी नहीं होने देना है क्योंकि जब मैं पहली कीमो के लिए गई तो ऑब्वियसली एंड दैट इज वेरी क्वाइट नेचुरल ऑल्सो कि हाँ वो डर वो था तो दैट रेज माई बीपी ऑलमोस्ट अबव 150 तो माई डॉक्टर सेड कि हाँ आप इनको लेके जाइए इनको थोड़ा काम डाउन कीजिए बट वो फर्स्ट ही कीमो थी जब मैंने ये किया क्योंकि तब मेरी सोच वो डर मेरे ब्रेन पे हावी हो गया था लेकिन उसके बाद से सेकंड थर्ड फोर्थ कीमो देन रेडिएशन 18+2 रेडिएशन थेरेपीज एंड देन नाउ हार्मोनल थेरेपीज स्टिल गोइंग ऑन एंड इट विल लास्ट फॉर अनदर 2 years अब वो चीज वो डर वो चीज मेरे ब्रेन पे मैंने कभी हावी नहीं होने दिया है एंड ट्रस्ट मी ये जितना हेल्प करता है ना ये चीज जितनी हेल्प करती है ना ठीक है जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे कैंसर हुआ है मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना है
और जो भी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होंगे वो मुझे एक्सेप्ट करना। मैंने मंजू पंड्या से भी बात की। मंजू को 2008 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। पहली बार कैंसर के बारे में पता चलने के बाद क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या महसूस किया, आप उन्हीं से सुनिए। मेरे को एक हल्की सी छोटी सी गांठ सी, चने जैसी गांठ सी महसूस होती थी, तो वो इधर उधर इधर इधर हिलाने पे इधर उधर चली जाती थी। फिर यहाँ हमारे पास में एक है डॉक्टर, तो उनको फैमिली डॉक्टर, तो उनको हम दिखाने के लिए गई, तो उन्होंने कहा भाभी जी आप इसकी बायोप्सी करा के देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने बायोप्सी कराने को, दूसरे दिन से दिन रिजल्ट आ गया, तो वो तो कैंसर की थी। फिर घबराहट तो हो रहा ही था ये सुनकर, तो ऐसे लगा तो ऐसा ही कि मतलब ब्रेस्ट निकल जाए तो भी कोई बात नहीं, जिंदगी बची रहे, मैं तो यही चाहती थी बस। उसमें भी कोई मेरे को कोई वो नहीं था, ब्रेस्ट निकलने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी, मेरे को पता था कि निकल जाएगा, निकलता है ब्रेस्ट में, पर जिंदगी बची रहे, मैं जिंदगी से चाहती थी ये तो। पर उसके बाद में फिर ठीक रहा थोड़े दिन, उन्होंने कहा एक कीमियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, आपका रेडिएशन से ठीक हो जाएगा। और फिर वो रेडिएशन, मेरे 25 रेडिएशन हुए और 30 होने की बात थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब 30 नहीं हो सकते। निधि पाटनी करने वाली थी रेडिएशन, उनकी वाइफ निधि पाटनी है, उन्होंने रेडिएशन के, तो उन्होंने कहा 25 के बाद में आपका अंदर इतना जल गया है कि आप 25 के बाद में नहीं हो सकते आगे। और वो उसके बाद में उनका इलाज मेरे करीब करीब 10 साल चला निधि पाटनी का। और अभी 2 साल पहले उन्होंने कहा अब आप बिल्कुल ठीक है, आपका आपको न कोई दवा लेने की जरूरत है न कुछ की भी, बिल्कुल आप सही है अब। तो अब ईश्वर की दया है, सब घर वालों के, सबकी मेहनत है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैंसर पेशेंट्स के मेंटल ट्रॉमा को समझने के लिए मैंने डॉक्टर अनु से बात की। डॉक्टर अनु मुंबई में रहते हैं और कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का एक अभिन्न हिस्सा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हम सब जानते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। फिजिकल हम सब जानते हैं, लेकिन जो इश्यूज है मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये इश्यूज हमेशा अनएड्रेस रह जाते हैं, यानी इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। ओपीडी के अंदर पेशेंट को ट्रीट करते हुए हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि स्पेशली जो यंग वीमेन है, यंग महिलाएं हैं, उनके लिए अपने शरीर की एक आइडेंटिटी बहुत जरूरी होती है, जिसमें बाल और ब्रेस्ट एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी हमारे समाज के अंदर ये सोशल स्टिग्मा है कि महिलाओं की ब्यूटी यानी सुंदरता उनके बालों में है। और चूंकि जो कीमोथेरेपी हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एलोपेशिया यानी बालों का जाना रहता है। हालांकि ये एक टेम्पररी फेज होता है, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। जो महिला इस दौर से गुजरती है, जब उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो काफी एंग्जियस हो जाती है। फिजिकल पेन के साथ उनका इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो थेरेपी के प्रति मनोबल है वो कम होने लगता है। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को, स्पेशली पेशेंट और उसकी फैमिली, हस्बैंड को, उसके अदर फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करते हैं कि इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज, यानी ये दौर निकल जाएगा। उसको हम पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं ताकि वो फेज निकाल पाए, और उसके बाद में क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वापस बाहर आने की संभावना इसमें रहती है। और हम किस तरह से इस महिलाओं को, इन महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं कि समाज में या इवन हॉस्पिटल्स में भी काफी सोशल वर्कर यानी सोशल एनजीओस वगैरह रहते हैं स्पेशली फॉर विमेन कैंसर, जिसके अंदर वो सोशल काउंसलिंग, पेशेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए काउंसलिंग करते हैं, स्पेशली यंग विमेन के अंदर। क्योंकि काफी बार कैंसर इस स्थिति में होता है कि आपको पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ सकता है, इसको MRM नाम का सर्जरी बोलते हैं। ऐसे स्थिति में भी पेशेंट को मेंटली ट्रॉमा से निकलना पड़ता है, ऐसे स्थिति में भी हमें पेशेंट के साथ रहना होता है, उसकी फैमिली को काउंसिल करके उसको मोटिवेट करना होता है। क्योंकि प्राइमरी सर्जरी के बाद में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन यानी ब्रेस्ट को एक आर्टिफिशियली रिफॉर्म करना भी संभव है आजकल की तकनीक के द्वारा, तो इस प्रकार से हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसमें असहनीय फिजिकल पेन के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी जुड़ा होता है। उम्मीद है ये एपिसोड देखने के बाद आपको कैंसर पेशेंट्स के मेंटल पेन के बारे में समझने में मदद मिलेगी, खासकर उन महिलाओं के पेन की जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सुझा सकते हैं। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।